सपनों के दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आज आदित्य हृदय स्तोत्र के माध्यम से मैं आपको विनियोग, संकल्प, ऋषादि न्यास, कर न्यास, हृदय न्यास इत्यादि के बारे में बताऊंगी, उनका मीनिंग समझाऊंगी और आदित्य हृदय स्तोत्र को कैसे पढ़ना है ये भी आपको बताऊंगी। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम कोई जप करते हैं, कोई मंत्र करते हैं, तो उस मंत्र की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, उस मंत्र की शक्ति से बड़े बड़े कार्य सिद्ध करने के लिए या अपने दुखों को काटने के लिए हम उस मंत्र का अनुष्ठान बिठाते हैं। अर्थात हम एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय में उस मंत्र जप को पूर्ण करते हैं और फिर उससे प्राप्त हुई शक्ति को किसी कार्य में लगाते हैं, जो जिससे कि वो कार्य हमारा सिद्ध हो जाए। लेकिन क्या मंत्र जप जो हम करते हैं उससे हमें सिद्धि बिना किसी नियम के प्राप्त हो जाती है, जप जप करके प्राप्त हो जाती है, या फिर उस जप को करने का, उस मंत्र को करने का कोई विधान है? जब भी हम किसी मंत्र को जपते हैं, जपात सिद्धि जप जप के ही सिद्ध होता है, मतलब उसमें शक्ति संग्रहित हो जाती है, उस देवता का उस मंत्र में जागरण हो जाता है और वो आपके निमित्त आपके लिए कार्य करने के लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन जब हमें किसी निश्चित कार्य को किसी निश्चित अवधि में करना है, किसी निश्चित टाइम पीरियड में करना है, उस समय हम ये नहीं कह सकते जपात सिद्धि कि कैसे मर्जी जप लो और उससे सिद्धि प्राप्त हो जाए। यह प्रक्रिया है सारी उम्र की, कि आपने जैसे राम नाम या शिव का नाम पकड़ लिया और जपते गए और कभी भी, मतलब कभी भी सिद्ध हो जाए, वो कभी भी सिद्ध हो सकता है। उसके लिए आपके पूरे जन्म लग सकते हैं, उसके लिए आपकी पूरी आधी उम्र लग सकती है और उसमें आपका कोई प्रायोजन, कोई आपका उद्देश्य नहीं होता कि मैंने इससे कोई ये पर्टिकुलर कार्य करना ही करना है। लेकिन जब हमें कुछ विशेष कार्य करना होता है तो हमें उसे, उस मंत्र को, उस जप को संकल्प में बांधना होता है। इसीलिए सबसे पहले संकल्प लिया जाता है, फिर विनियोग किया जाता है और फिर न्यास किया जाता है। षडांग न्यास वगैरह बहुत तरीके के हैं, उसके बाद बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो मैं आपके समक्ष डिस्कस करना चाहती हूँ वह संकल्प, विनियोग और न्यास है, क्योंकि इसी में ही ज़्यादातर कन्फ्यूज़न लोगों को रहती है। चाहे आप दुर्गा सप्शती पढ़ें, चाहे आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप सुंदर कांड पढ़ें, चाहे आप कोई भी ऐसा पाठ करें जिसकी एक आपको शक्ति चाहिए, जिस देवता की आपको शक्ति किसी कार्य के लिए चाहिए, तो उस वक्त आपको ये तीन चार चीज़ें करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ती हैं। अब होता क्या है, जब हम संकल्प पंडित के द्वारा लेते हैं तो पंडित जो जो बोलता जाता है हम वो करते जाते हैं, हमें उसका मतलब पता नहीं होता और हमारा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं बनता। फिर वो हमें विधि बता देते हैं, फिर हमें वो रोज़ करनी होती है तो हम उसे ऐसी रट्टा मार करके पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं बनता। और जब तक किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना बने तब तक उसमें मन नहीं लगता, और जब तक मन ना लगे तब तक वो कार्य सिद्ध अच्छे ढंग से नहीं होता। जब हमें उनका मीनिंग पता चल जाता है, करने की विधि तो हमें पहले ही बताई होती है, लेकिन जब हमें मीनिंग पता चल जाता है तो उस कार्य को करने में दोगुना मज़ा आ जाता है, इंटरेस्ट बन जाता है, उस मंत्र में दिल लग जाता है, और जब दिल लग जाता है तो देवता स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं, उस मंत्र की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। इसलिए हम लोगों को ये सब करना चाहिए और करना होता है। पहली बात पर आते हैं कि संकल्प होता क्या है। संकल्प का मतलब है आपने किसी कार्य को किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित टाइम पीरियड में करने का आपने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया, वह है संकल्प, कि मैं इस व्यक्ति का पुत्र, इसका पोता यहाँ पे रहने वाला हूँ और इस मंत्र जप को कर रहा हूँ, इतने मंत्रों की माला कर रहा हूँ और इतने दिन में कंप्लीट करूँगा और इस कार्य के लिए मैं इस कार्य को करने का संकल्प
ले रहा हूँ। जैसे आपने कह दिया, मैं 24,000 मंत्रों का अनुष्ठान अपने दुखों के निवारण के लिए 20 दिन में या 21 दिन में करने का संकल्प लेता हूँ। ये हो गया आपका संकल्प। अब दूसरा है विनियोग। विनियोग का मतलब होता है एग्रीमेंट एड्रेस। जब हम किसी से कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई बड़ी असेट खरीदते हैं, तो हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि आपने ये मुझे इतने पैसे में दे दिया। तो वही आपका, यानी कि जब भी मुझे इससे संबंधित कोई समस्या आएगी तो मैं आपको रेफ़र करूँगा। जब भी कोई मुझे पूछेगा कि ये ज़मीन किससे खरीदी है, तो मैं बताऊँगा मैंने उस फलां बंदे से खरीदी है। आप चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी में सारी कहानी लिखते हैं और फिर उसमें एड्रेस डालते हैं कि ये चिट्ठी मिले किसको, तो वह विनियोग है। बिना विनियोग के जप, मंत्र, अनुष्ठान किसी कार्य के नहीं होते, क्योंकि विनियोग बताता है कि आप किस देवता का, किस देवता की शक्ति का आवाहन करके, किस देवता की शक्ति को ये सभी मंत्र वगैरह रेफर कर रहे हैं कि इसका फल आपको किस देवता से चाहिए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का। इस स्त्रोत में विनियोग में कहता है, ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्तस्य ऋषि अनुष्टुप छंदः। इसका अर्थ हुआ कि ओम इस आदित्य हृदय स्तोत्र के ऋषि अगस्त्य हैं और अनुष्टुप छंद हैं। मतलब अनुष्टुप छंद का अर्थ कि ये जितना भी आप पढ़ने वाले हैं ये सारा लय में बद्ध है और इसे लय में ही पढ़ना है, छंदों में ही पढ़ना है। जैसे हम जानते हैं कि गीता के श्लोक अनुष्टुप छंद हैं, जैसे आपके हिंदी में दोहे होते हैं वैसे ही संस्कृत में छंद होते हैं। और छंद कहाँ से पढ़े जाते हैं? मुँह से पढ़े जाते हैं। उसके बाद है आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता निरस्त शेष विघ्न तया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोग। अर्थात कि आदित्य हृदय भगवान सभी प्राणियों में जो निहित है, उसके देवता ब्रह्म देवता, ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड के देवता, जो कि सभी विघ्नों को समाप्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं और प्राणी ब्रह्म विद्या में सिद्ध हो जाता है, जहाँ भी जाता है उसे विजय की प्राप्ति होती है। तो इस कार्य के लिए किस देवता? ब्रह्म देवता का विनियोग, मतलब मैंने उन्हें रेफर कर दिया है, उनका एड्रेस इसमें डाल दिया है। और आप जल अपने हाथ में विनियोग के लिए जल लेते हैं और इस मंत्र को पढ़ने के बाद, इस विनियोग को पढ़ने के बाद जल को किसी पात्र में, किसी कटोरी में डाल देते हैं। उसके बाद आता है ऋष्यादि न्यास। न्यास का मतलब होता है स्थापित करना और न्यास का ही मतलब होता है त्याग देना। तो मैं बुराई का त्याग करके, अपनी कमज़ोरी का त्याग करके ऋषियों को स्थापित करता हूँ। अब न्यास दो अपोजिट वर्ड्स का मिश्रण है, त्यागना और स्थापित करना। तो ये एक दूसरे के यहाँ पे पूरक है। जब हम झाड़ू लगाते हैं तभी सफाई आती है, जब हम पैसा देते हैं तभी कोई वस्तु हम लेते हैं। तो न्यास का मतलब हुआ कि स्थापित करना, किसी चीज़ को छोड़ना और किसी चीज़ को अपनाना। ओम अगस्त्य ऋषे नमः शिरसि। अब इसमें क्या करते हैं कि अपने दाएं हाथ की, राइट हैंड के अंगूठे और रिंग, और जो रिंग फिंगर और मिडल फिंगर होती है, उन तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं और जहाँ जहाँ बताया जाता है उस स्थान को हाथ लगाते हैं। ओम अगस्त्य ऋषे नमः शिरसि। तो अगस्त्य ऋषि जैसी पवित्र बुद्धि, जैसे पवित्र विचार कहाँ स्थापित हो? हमारे सर में स्थापित हो, तो सर को हाथ लगाते हैं। अनुष्टुप छंद से नमः। छंद कहाँ से निकले? अनुष्टुप छंद कहाँ से निकले? मुख से। तो मुँह को हाथ लगाते हैं, उस स्थान को, मुँह को टच करते हैं। आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवता यय नमः हृदय। और आदित्य देवता पूरे ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, जो देवता हैं, वो हृदय में निवास करें। ऊपर भी जहाँ विनियोग में कहा गया है आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता, यानी पूरे ब्रह्मांड के देवता आदित्य भगवान ही मेरे इस विनियोग में देवता हैं, तो ऊपर भी यही बात कही गई है और यहाँ पर हमने उनका स्थान हृदय में दिया है। ओम बीजाय नमः गुह्यो। गुह्यो का मतलब होता है आपके गुह्य, गुप्त अंग। तो आप पीछे हाथ लगाएंगे
जहाँ पे ओम भी जाए नमः कहा है। ओम रश्मि मते शक्तये नमः, रश्मियों की शक्ति, रश्मियों पुंज के समूह की जो शक्ति है वो मेरे पैरों में आ जाए ताकि मैं जल्दी से पग रख सकूँ, अपनी सफलता की ओर जल्दी जल्दी बढ़ सकूँ। ओम तस् वितुर इत्यादि गायत्री कीलकाय नमः नाभौ, और कीलक का स्थान कहाँ है? नाभि में। गायत्री का स्थान कहाँ है? नाभि में। करन्यास, अब आते हैं हम करन्यास, यानी हाथ से, हाथ में शक्तियों को स्थापित करना और हाथ से नमस्कार करना। तो हाथ में, क्योंकि मंत्र जब हाथ से होगा, कोई भी अनुष्ठान हाथ से होता है, तो हाथ में शक्तियों का स्थापित होना बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं इसमें ओम रश्मि मते अंगुष्ठाभ्याम नमः। अब आप पढ़ोगे इसमें अंगुष्ठा, अंगूठा है, तर्जनी है, मध्या है, अनामिका उंगली है, कनिष्ठ उंगली है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, इसे करने के दो तरीके हैं, पहले तो ये बता दूँ। कई लोग इसे अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के अंगूठों और उंगलियों के मिलन को करन्यास कहते हैं, और कई लोग इसे कैसे करते हैं, उंगली से अंगूठे को छूना है जब मंत्र पढ़े, और अंगूठे से सभी उंगलियों को बारी बारी से छूना है। ये दोनों हाथों की जो उंगलियां और अंगूठे हैं, इस कार्य को करेंगे अपनी अपनी उंगली और अंगूठों पे। जैसे ओम रश्मि मते अंगुष्ठाभ्याम नमः, रश्मियों के पुंज भगवान सूर्य को मैं अंगूठे से नमस्कार करता हूँ। तो अंगूठे या तो आप दोनों जोड़ सकते हैं, या फिर अपनी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर से अंगूठों को टच कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। ओम समुद्यते तर्जनीभ्याम नमः, समुद्यते, समुद्यत का अर्थ होता है जो सबसे पहले चलने के लिए तैयार हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत करते हैं सूर्यदेव, तो इसलिए उन्हें कहा गया है ओम समुद्यते तर्जनीभ्याम नमः। तो यहाँ पे आप तर्जनी उंगली को अंगूठे से टच करेंगे, या दोनों लेफ्ट और राइट हैंड की तर्जनी उंगलियों को आपस में जोड़ देंगे। ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्याम नमः, जिनके जिनको नमस्कार देवता असुर दोनों करते हैं उन्हें मध्यम उंगलियों से नमस्कार। ओम विवर्वते अनामिकाभ्याम नमः, यम के पिता, यम नियम के पिता कौन है? भगवान सूर्यदेव को अनामिका उंगलियों से नमस्कार, रिंग फिंगर से नमस्कार किया, या दोनों रिंग फिंगर्स को जोड़ लीजिए या अंगूठे से रिंग फिंगर्स को टच कर लीजिए। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर को अंगूठे, लेफ्ट हैंड के ही अंगूठे से, और राइट हैंड की रिंग फिंगर को राइट हैंड के ही अंगूठे से टच करना है। ओम भास्कराय कनिष्ठकाभ्याम नमः, उन भास्कर देवता को, कनिष्ठ सबसे छोटी उंगली से मैं उस उंगली को, या तो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की उंगलियों को मिला दीजिए, या फिर दोनों को अपने अपने हाथ के राइट और लेफ्ट अंगूठों से टच कर दीजिए। ओम भुवनेश्वराय करतल पृष्ठाभ्याम नमः, ओम भुवनेश्वराय, इस सारे भुवन के मालिक भगवान सूर्यदेव को करतल, करतल पहले दोनों हाथों को जोड़कर फिर करतल पृष्ठाभ्याम, हाथों के पिछले हिस्सों को टच करते हुए, लेफ्ट हैंड के पिछले हिस्से को राइट हैंड से, राइट हैंड के पिछले हिस्से को लेफ्ट हैंड से टच करते हुए फिर नमस्कार करता हूँ। टच कर लिया और फिर नमस्कार कर दिया। फिर है हृदयादि अंग न्यास, हृदय के जितने भी हमारे हृदय से रिलेटेड अंग हैं उन सभी का न्यास, उन सभी में हमें उस शक्ति को स्थापित करना है। ओम, अब मंत्र वही है, ओम रश्मि मते हृदयाय नमः। अब यहाँ पे अपने उंगलियों को और अंगूठों को जोड़ लीजिए, और जिस जिस स्थान को बताया गया है उस स्थान को भावना के साथ टच कीजिए। जब कहा ओम रश्मि मते हृदयाय नमः, तो अब बहुत सारे सूर्यों का जो तेज होता है उसका ध्यान करते हुए हृदय को टच करना है। ओम समुद्यते शिरसे स्वाहा, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए सिर में टच करना है। ओम देवासुर नमस्कृताय शिखाय वष्ट, जिन्हें देवता और असुर दोनों नमस्कार करते हैं उनका, जहाँ से आपकी चोटी बंधती है वहाँ उस स्थान पे टच करना है। ओम विवस्वताय कचाय हुम, अपने दोनों बाजुओं का आपने टच करना है, दोनों बाहों का टच करना है, क्योंकि इन्हीं हाथ से आप अपने जिंदगी के नियमों का, कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ओम भास्कराय नेत्राय वोष्ट, भास्कर अत्यंत तेज वाले ईश्वर, उनका, उनकी तेजी का ध्यान करते हुए, उनके चकाचौंध कर देने वाले स्वभाव का ध्यान करते हुए अपने नेत्रों को टच करना है। और करना किसे है?
आपकी जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है, पहली उंगली और अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, इनसे आपने दोनों आंखों को टच करना है। इंडेक्स से राइट से राइट आई को और रिंग फिंगर से लेफ्ट आई को टच करना है। और जो बीच की उंगली है उससे आपने अपने जो आईब्रोज के बीच का स्थान है उसको टच करना है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट। अस्त्र, अस्त्र शस्त्र किस लिए होते हैं? अपनी रक्षा के लिए। तो आपने राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर के पास से घुमा करके, सिर के पीछे से घुमा करके, अपने लेफ्ट हैंड में 3 बार अपनी पहली दो उंगलियों से 3 तालियां बजानी हैं। ये हुआ अस्त्राय फट। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप जप करने बैठते हैं तो कई क्षुद्र देवी देवता होते हैं जो आपका जप का हिस्सा आपसे छीन कर भाग जाते हैं, आपके जप का लाभ आपसे छीन करके भाग जाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो उन्नति प्रगति करें। तो उनसे अपने आप तो मेहनत होती नहीं है, तो जो भी जप तप करने बैठे होते हैं उनके पास जाकर वो बैठ जाते हैं और देखते हैं कि इन्होंने अपने आसपास सुरक्षा चक्र बनाया है या नहीं। अगर आप अस्त्राय फट नहीं करेंगे तो जितना भी आप जपते जाएंगे वो सारा उनको चला जाएगा और आपको बहुत थोड़ा सा प्राप्त होगा और आपको उस जप का ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद आप इस प्रकार से न्यास करके फिर सूर्य का ध्यान करते हैं और 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसके बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्र शुरू कर देते हैं। अब आदित्य हृदय स्तोत्र मैं पढ़ देती हूँ संस्कृत में, वैसे इसकी मुझे हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी जगह यूट्यूब में अगर आप गूगल पे भी करो तो सर्च करो तो आपको इसकी हिंदी मिल जाएगी, लेकिन विनियोग न्यास का के बारे में कोई भी ज़्यादा बताता नहीं है। वो करने का तरीका बता देते हैं पर उसका मीनिंग नहीं बताते हैं, इस वजह से हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं हो पाता है और हम उसे एक रट्टे की तरह पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ देती हूँ, लेकिन ऊपर का जो विनियोग था, संकल्प था, वो क्लियर करना मेरा मेन उद्देश्य था कि आपको वो समझ आए और आप अच्छे प्रकार से कर सकें। आदित्य हृदय स्तोत्र इस प्रकार से है। ततो युद्ध परिशांतम समरे चिंतयास्थितम रावणम चाग्रतो दृष्टा युद्धाय समुपस्थितम देवतैश्च समागम्यम द्रष्टुमभ्यागतो रणम उपगम्या ब्रवीद रामम्मगस्त्यो भगवान सदा। राम राम महाबाहो शृणुगुह्यम सनातनम येन सर्वानरिन्वस्स समरे वीजिष्यसे आदित्यम विद्यम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शिवम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवा सुरगणान लोकान पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्माश्च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः पितरो वस्वः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वहिनः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् स्वर्णसदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्ची सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्तष्टवा मारतंडको अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो अहस्करो रविः अग्निर्गर्भो अदिते पुत्रः शंख शिशिरनाशनः व्योमनाथास्तमो भेदी ऋगयजुसाम पारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विंध्यवीथि प्लवंगमः आतपी मंडली मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजः रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मनः नमोस्तुते नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमाद्राय नमः ज्योतिर्गणनां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते ब्रह्मेशानुचेतेशाय सूर्य आदित्य वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रोद्राय वपुषे नमः तमोघनाय हिमघनाय शत्रुघन्यामितात्मने कितखनघनाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय
हरे विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। नाशत्तेष वै भूतं त्वमेष सृजति प्रभु, पायत्तेष तप्तेष वर्षतेष गभस्थिभिः। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः, एष चैवग्निहोत्रं च फलं चैवग्निहोत्रिणां। देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च, यानि कृतानि लोकेषु सर्वेषु परमं प्रभु। एनमाप्सु कृच्छेषु कांतारेषु भयेषु च, कीर्तयन् पुरुषः कश्चिनावसीदति राघव। पूजस्वेन मेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्, एतत् त्रिगुणितं जपत्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि, एवमुक्ता ततो अगस्त्यो जगाम स यथागतम्। एत छुत्वा महातेजा नष्टशोको अभवत् तदा, धार्यामास सुप्रितो राघव प्रियतात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जपत्वेदं परमं हर्षं वाप्तवान्, त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमतः, सर्वयत्नेन महता वितस्तस्य वधे अभवत्। अथ रवीरवदनरीक्षय रामं मुदितमनः परमं प्रहिष्यमाणः, निशिचरपतिसंशयं विदित्वा सुरगण्यमध्ये गतो वचस्त्वरेति सम्पूर्ण।